प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अति महान पवित्र नाम में आप सबों को फिर एक बार मसीह वंदन देता हूँ। फिर एक बार एक छोटा सा संदेश के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने सहायता की। आज का संदेश का सब्जेक्ट है कि यीशु मसीह का विजय यात्रा। हम देखते हैं इन दिनों में दुख भोग सप्ताह मसीही लोग मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में यीशु मसीह की सेवकाई के अंतिम सप्ते के बातों में हम इस संदेश के द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं। आज से लेकर के हरेक दिन के यीशु के संदेश, यीशु के सेवकाई, अंतिम सप्ते के सेवकाई के प्रति हम अध्ययन करना चाहते हैं। ये संदेश से बढ़कर एक अध्ययन के रूप में हम आपको इस वचन समझाना चाहते हैं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के वचन के सामने आएंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में जब हम आते हैं वहां लिखा हुआ है, पसह के 6 दिन पहले यीशु बिथनिय्याह में आए। पसह के 6 दिन पहले हम उस विषय को कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है अर्थात शनिवार के दिन प्रभु बिथनिय्याह में आए। प्रभु के सेवकाई में अक्सर बिथनिय्याह में यीशु आया करते थे। जब जब बिथनिय्याह में यीशु आते हैं, बिथनिय्याह में लाजर मार्था और मरियम के घर में और शिमोन जो कोढ़ी थे उनके घर में अक्सर जाते थे, भोजन करते थे। उसी प्रकार अंतिम सप्ताह के सेवकाई के लिए यीशु जब यहूदी देश में आए, सीधा बिथनिय्याह में लाजर के घर में आए, शनिवार के दिन रात में लाजर के घर में लाजर उनके बहना मार्था और मरियम मिलकर के प्रभु के लिए एक जेवनार तैयार किए। और फिर हम उसके यूहन्ना 12वां अध्याय के 12 और 13वां वचन में पढ़ते हैं कि दूसरे दिन प्रभु यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के मंदिर के लिए रवाना हुआ। यरूशलेम मंदिर के लिए गधे पर सवार होकर यीशु गया। उस यात्रा को हम विजयी यात्रा के रूप में मानते हैं, ट्रायम्फल एंट्री कहते हैं। हम देखते हैं कि यीशु बेथफगा में आए, वहां से 2 चेलों को भेज करके दूसरे गांव में बांधा हुआ उस गधे और उनके बच्चे को लेकर के आए और यीशु गधे पर सवार होकर के यरूशलेम के लिए यात्रा की। हम इस विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, ट्रायम्फल एंट्री में, विजय यात्रा में यीशु खास करके 3 बातों को अपनी सेवकाई के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। ये जो है, नंबर 1, यीशु एक राजा है। नंबर 2, यीशु एक भविष्यवक्ता है। नंबर 3, यीशु महायाजक है। सो ये 3 ऑफिसर्स कहते हैं यीशु मसीह का, ये 3 पदवी है यीशु मसीह का। और अपने ट्रायम्फल एंट्री के द्वारा प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि यीशु राजा है, यीशु भविष्यवक्ता है, यीशु याजक है। सो हम देखते हैं कैसा प्रभु ने इस बात को प्रकट किया है। गधे पर सवार होकर यीशु गया, वहां हम देखते हैं कि यीशु जब यात्रा करते हैं लोग यीशु के सामने होशन्ना कहते हुए, दाऊद के संतान को होशन्ना,
यहूदियों के राजा को होशाना करके उनके सामने चिल्लाते थे और यीशु को महिमा बढ़ाते थे और जय जयकार करते हैं। जहां राजा है वहां राजा की महिमा भी है, जय जयकार भी है। सो यीशु राजा होने के कारण लोगों ने यीशु के लिए दाऊद के संदान को होशाना, यहूदियों के राजा को होशाना करके उनके सामने चिल्लाए। इस बात को दर्शाता है यीशु राजा है। प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु अपने जीवन में, यीशु के जन्म से लेकर के मरण तक के, यीशु के सेवकाई के बीच में हम इस बात को देख सकते हैं, यीशु एक राजा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। मत्ती के सुसमाचार, पूरा सुसमाचार जब हम अध्ययन करेंगे, हमें मालूम है मत्ती खास करके यहूदियों के लिए अपने सुसमाचार लिखा। सो यहूदियों के लिए लिखते समय मत्ती ने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया। कारण यहूदी लोग उन दिनों में एक राजा के इंतजार में थे। रोमी हुकूमत के नीचे तो दबाया गया यहूदी लोग है, रोमी सरकार की अधीनता में से अर्थात गुलामी से रिहा पाने के लिए वे कहते थे, वे इंतजार करते थे कि यहूदियों का राजा आएगा और उनको बचाएगा। इस अवसर में कि प्रभु यीशु मसीह जगत में अवतरित हुए, सो यीशु के जन्म से लेकर के हम देखते हैं यीशु को एक राजा के रूप में पुष्टि किया गया। मत्ती के सुसमाचार में दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि जब ज्योतिषी लोग आए, वे आकर के देश के महल में गए यीशु के जन्म के समय में, और वे पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। अर्थात यीशु जन्म से राजा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा जन्म से राजा नहीं बनते। राजमहल में जन्म लेता है तो भी वो राजकुमार कहलाया जाता है, वो राजा नहीं है। राजा के लिए उनको राजगद्दी पर बैठाने की विशेष सेवकाई, कोरोनेशन और एंथ्रोनमेंट, ये सब सेवकाई होने के बाद वो व्यक्ति राजा बनता है। लेकिन यीशु के जन्म में हम देखते हैं यीशु जन्म से ही राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं यीशु अपने मरण के समय में पिलातुस ने यीशु को सलीब पर चढ़ाने का आज्ञा दिया, साथ साथ पिलातुस ने यीशु का दोष पत्र लिखवाया, यीशु नासरी यहूदियों के राजा, क्रूस के ऊपर टंगाया। अर्थात यीशु के मृत्यु में भी ये विषय को साबित किया गया है यीशु राजा है। सो यीशु अपने जो पदवी है सेवकाई में, पहला पदवी राजा है, इस बात को अपने विजय यात्रा में भी प्रकट किया। यीशु के जीवन काल में हम देखते हैं कि योहन्ना के सुसमाचार चौथा अध्याय में जब 5,000 प्लस लोगों को यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाया और उसके पश्चात हम देखते हैं लोग यीशु को राजा बनाना चाहा, अर्थात यीशु के सेवकाई को देखते हुए लोग उसको राजा मानने लगा। फिर हम देखते हैं लूका सुसमाचार 24वां अध्याय में इम्माऊस जाने वाले शिष्य, वे भी कहने लगा हम उनको यहूदियों का उद्धारकर्ता मानता था, हम सोचते थे कि वो हमारा उद्धार करेगा, अर्थात यहूदियों को बचाने वाला एक राजा के रूप में इवन उनके करीब के चेले लोग भी मानने लगा। इसका मतलब है यीशु राजा है। लेकिन हम ब्रह्म देखते हैं यीशु राजा लेकिन गधे के ऊपर सवार होकर के जा रहा, क्यों गधे के ऊपर यीशु सवार कर रहा है। गधे के बारे में हम देखते हैं निर्गमन के पुस्तक में 13वां अध्याय उसका 12 और 13 आयत में मूसा को जब परमेश्वर ने वचन दिया, हरेक जानवर को उसके पहलौठा परमेश्वर के लिए पवित्र है, परमेश्वर के लिए अलग किया जाए,
लेकिन गधे के बारे में वचन देते समय बताया कि गधे के पैलौटक को प्रभु के लिए अलग नहीं करना, उसके बदले एक मेमना प्रभु के लिए अलग करना। इसका मतलब है गधे ही जानवर जगत में एक श्रापित त्यागा हुआ जानवर के रूप में माना जाता है। यीशु मसीह अपने विजय यात्रा में त्यागा हुआ उस गधे को ही चुना और उस पर सवार होकर के यरूशलेम के लिए यात्रा किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु अपने जीवन में ऐसा त्यागा हुआ, निराश्रित, रिजेक्टेड, समाज में निचले दर्जे के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति को भी यीशु अपने पास में करीब लेकर के चला। जो सोचते हैं मैं कोई काम का नहीं, मैं अप्रयोजन है, किसी का प्रयोजन नहीं, ऐसा व्यक्ति को भी यीशु अपने साथ लेकर के चलता है। यीशु सबके लिए है, यीशु राजा सभी के लिए है, इस बात को दर्शाया। सो यीशु यात्रा करके यरूशलेम के लिए गया। फिर हम देखते हैं कि यीशु जब यात्रा कर रहा है गधे के ऊपर सवार होकर के, मत्ती 21वां अध्याय में इसका पूरा चर्चा किया गया है, तो लोगों ने अपने वस्त्र रोड में बिछाया है, वस्त्र रोड में बिछाया है। सो हम देखते हैं वस्त्र बिछाना किसी के सामने, ये उस बात को दर्शाता है कि वो व्यक्ति राजा है। दूसरा राजा के पुस्तक है 9वां अध्याय उसका 13वां वचन में, जब येहू इसराइल का राजा बना, येहू को भविष्यवक्ता ने अभिषेक करके इसराइल के राजा बना दिया, तुरंत उनके साथियों ने येहू के सामने अपने वस्त्र बिछाया और बोला है येहू राजा हुआ है। सो वस्त्र किसी के सामने बिछाने का मतलब है वो व्यक्ति राजा है। So, यीशु के सामने, यीशु जब गधे पर सवार होकर के जाते समय सबों ने अपने वस्त्र सड़क में बिछाए, जिसके पास वस्त्र नहीं है वो वृक्ष के डालियां काट करके बिछाए। प्रयोग, यीशु के सामने इस प्रकार के कार्य इसलिए किया है, वस्त्र बिछाया है, उसका मतलब है यीशु राजा है। मतलब है यीशु अपने विजय यात्रा में इस बात की पुष्टि की है कि यीशु राजा है, यीशु राजा है। दूसरा हम देखते हैं यीशु के विजय यात्रा में यीशु ने अपनी दूसरी पदवी को भी प्रकट किया है, वो है कि यीशु एक भविष्यवक्ता है, यीशु एक भविष्यवक्ता है। हम देखते हैं यीशु गधे पर सवार हो रहा है। गधे पर सवार होना पुराना नियम में हम देखते हैं कि बालाम भविष्यवक्ता गिनती के पुस्तक 22वां अध्याय उसका 21-22वां वचन में हम पढ़ते हैं कि बालाम गधे पर सवार होकर के बाराक ने जब उनको बुलाया इसराइल को श्राप देने के लिए, भविष्यवक्ता बालाम गधे पर सवार होकर गया है। इसका मतलब है कि गधे पर जो सवार करते हैं उनको देख करके यहूदी समाज ये समझते थे कि ये व्यक्ति वास्तव में एक भविष्यवक्ता है। सो यीशु इसलिए गधे पर सवार हुआ है। व्यापारी लोग ऊंट के ऊपर सफर करते हैं और जो राजा लोग घोड़े के ऊपर सफर करते हैं, लेकिन जो भविष्यवक्ता का वाहन है, वाहन जानवर है, अक्सर गधे होता है, गधे के ऊपर में सफर किया है। हम देखते हैं गधे के ऊपर यीशु सफर करना, आमन ज़करिया नबी के पुस्तक 9वां अध्याय उसका 9वां वचन के पूर्ति है, भविष्यवाणी उस दिन पूरी हुआ है। भविष्यवाणी पूरी होने हेतु भविष्यवक्ता प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर के यरूशलेम मंदिर के लिए यात्रा किया है। फिर हम देखते हैं कि जब यरूशलेम में वे पहुंचते हैं, नगर हिल गया है, नगर में हलचल मच गया है, क्योंकि एक बड़ी झुंड यीशु के साथ होशन्ना दाऊद के संतान ऐसा बोल करके नगर में प्रवेश किया। एक राजा के
अपेक्षा रखने वाले यहूदी समाज सोचे कि यीशु इस रीति से यरूशलेम में प्रवेश करके यरूशलेम को कब्जा करेगा, यीशु राजा बनेगा। इसलिए यरूशलेम में पहुंचने के बाद लोगों ने पूछा कि ये कौन है। तब लोगों को जवाब दिया है कि ये जो है नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। सो भविष्यवक्ता गधे के ऊपर सवार करते हैं और लोग यीशु को देख करके कहने लगे, यरूशलेम के लोग, ये गलील के नासरत के भविष्यवक्ता यीशु है। सो यहां पर हम देखते हैं यीशु अपने विजय यात्रा के द्वारा इस बात को साबित किया कि यीशु भविष्यवक्ता भी है। हम देखते हैं ओलिव पर्वत पर बैठे हुए यीशु ने यरूशलेम के बारे में भविष्यवाणी आम दिया। मत्ती 24वां अध्याय, लूका 21वां अध्याय में यीशु मसीह के अंतिम दिनों के भविष्यवाणियों की चर्चा है। यहां पर हम देखते हैं कि लूका 19वां अध्याय उसका 41 से 44 तक के आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि यीशु नगर में प्रवेश किया और उस नगर के बारे में रोने लगा। यीशु क्यों रोता है नगर के बारे में? कारण इस नगर यरूशलेम नगर में आगामी दिनों में भविष्य काल में होने वाले उन बुरी और दुखित घटना को आत्मा में देखते हुए यीशु ने रोया है, क्योंकि इस नगर ढा दी जाएगी और ये मंदिर पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी यीशु ने किया है। कारण यीशु भविष्यवक्ता है, केवल भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवक्ता से बढ़कर एक भविष्यवक्ता है। यीशु की भविष्यवाणी पूरी होते हुए अपने एडी 70 में देखा। तीतुस के नेतृत्व में रोमी सेना यरूशलेम नगर को कब्जा किया और इतिहास कहता है कि वे यरूशलेम मंदिर को जला दिया, मंदिर को ढा दिया, मंदिर को लूट लिया। अनेक लोगों को उन दिन बंधुआई में लेकर के गए और यहूदी लोग वहां से तितर बितर हो गया। मंदिर गिरा दिया गया है और मंदिर के पवित्र वस्तुओं को, साधक सामग्री को तीतुस रोम में लेकर के गया। यीशु मसीह के उस दिन के महान भविष्यवाणी एडी 70 में पूरा हुआ। सो इन बातों को देखते हुए हम समझ सकते हैं यीशु केवल राजा नहीं, यीशु भविष्यवक्ता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के तीसरा जो पदवी इस विजय यात्रा में प्रभु ने हमें पूरा किया है, वो तीसरी पदवी क्या है? यीशु महायाजक है। यीशु याजक है। हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 22 से 16 तक, मरकुस सुसमाचार 11वां अध्याय 15 से 17 और लूक चैप्टर 19 वर्स 45 एंड 46। इन आयतों में जब हम देखते हैं कि यीशु मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर का शुद्धिकरण किया। मंदिर की सेवकाई करना, मंदिर की शुद्धिकरण करना, ये राजा का काम नहीं है, ये भविष्यवक्ता का काम नहीं है, बल्कि ये एक याजक का काम है। वो काम प्रभु ने किया है, उसका मतलब है ये यीशु मसीह याजक है। यीशु केवल याजक नहीं मेरे प्रभु, इब्रानियों की पत्री 4 और इब्रानियों की पत्री 7 इन आयतों में प्रेरित पौलुस ने इस बात को स्पष्ट किया है, यीशु आसमान से होकर अर्थात स्वर्गों से होकर गया ऐसा भविष्यवक्ता है, निर्दोष निष्कलंग एक भविष्यवक्ता है, महायाजक है। सो ये महायाजक है, मंदिर का शुद्धिकरण किया। वहां पर हम डिटेल में वचन में पढ़ सकते हैं कि यीशु मंदिर में प्रवेश करके सराफों के पीठ को गिरा दिया और कबूतर बेचने वाले के उन कुर्सियों को गिरा दिया और मनी चेंजर्स
पैसा के लेन देन करने वाले, व्यापार करने वाले लोग, उनको वहां से भगा दिया मंदिर के अंदर में। क्यों? लेन देन करने वाले, मनी चेंजर्स, पैसा आदान प्रदान करने वाले लोग बैठे, क्योंकि पर्व के दिन में मंदिर में आने वाले मंदिर में दान अर्पण करते हैं। सो रोमी सिक्का मंदिर में डाल नहीं सकते, कारण रोमी सिक्का के ऊपर में उस उनके राजा के अर्थात कैसर के चित्र है या मूर्ति है। यहूदी लोग मूर्ति पूजक ना होने के कारण ये सिक्का मंदिर में डालना उनके लिए उचित नहीं माना, इसलिए रोमन सिक्का को मंदिर वाला सिक्का में एक्सचेंज करके देने वाले मनी चेंजर्स वहां पर बैठे हुए। मनी एक्सचेंज करते समय उसके आमीन गलत रीति से, अन्याय से कमीशन खाकर आमीन गलत रीति से धन कमाने वाले, काले धंधे करने वाले लोग मंदिर के अंदर में बैठा। यीशु ने कहा मेरा भवन प्रार्थना भवन बनेगा, तुम उसको ढाकुओं का कोख बना दिया। इसलिए प्रभु ने वहां का शुद्धिकरण किया। कबूतर बेचने वाले वहां पर बलि चढ़ाने के लिए कबूतर बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं, अन्याय से पैसा कमाने वाले बिजनेस वाले वहां पर बैठे हुए हैं। यीशु के सेवा में उन्होंने उन सारे गलत काम करने वाले, अशुद्ध काम करने वाले या काला धंधे करने वाले लोगों को मंदिर में से हटा दिया। यीशु के विजय यात्रा में प्रभु ने हमें समझाया कि यीशु एक महायाजक है। सो आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम से, मसीह के नाम से कई प्रकार के आजकल बिजनेस के रूप में लोग चलाते हैं। प्रभु को ये पसंद नहीं है। इस विजय यात्रा में, इस पैशन वीक में प्रभु हमें समझाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से गलत काम करना यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस प्रकार के काला धंधे के प्रभु बिल्कुल विरोध किया है, इसलिए मंदिर में इन सब बातों को प्रभु ने दूर कर दिया। प्रियो, मंदिर प्रभु के लिए शुद्ध होना चाहिए, मंदिर प्रभु के लिए पवित्र होना चाहिए। मंदिर को एक पवित्र मंदिर में देखना प्रभु पसंद किया है। हम देखते हैं आज आमीन जो नया नियम में परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हर एक विश्वासी यीशु मसीह का मसीह के लिए मंदिर है। कुरिन्थियों की पत्री में प्रभु पौलुस प्रेरित ने बताया है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करते हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। प्रभु पवित्र है, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो जाए। इसलिए हम हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मंदिर होने के कारण इस मंदिर को इस पैशन वीक में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं, हमारे मंदिर को हम शुद्ध रखें। यीशु वही चाहता है, मंदिर का शुद्धिकरण, हमारे जीवन का शुद्धिकरण। इस पैशन वीक में हम अपने जीवन की ओर देखें तो सारे अशुद्धता मलिनता को हम दूर करके प्रभु का करीब आने पाए, प्रभु हमारे करीब आना चाहते हैं। मंदिर को प्रभु ने शुद्ध कर दिया। सो इस प्रकार यीशु ने एक महायाजक के रूप में अपने विजय यात्रा में अपने आप को प्रस्तुत किया। मेरे प्रियो, मेरी छोटा सा संदेश के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ विजय यात्रा ट्रायंफल एंट्री में प्रभु ने तीन बातें प्रकट किया है। यीशु आमीन राजा है, और यीशु भविष्यवक्ता है, और यीशु महायाजक है। प्रियो, इन दिनों में इस पैशन वीक में एक एक दिन में ओशाना संडे से लेकर के अर्थात खजूर संडे से लेकर के पुनरुत्थान के संडे तक के हर प्रतिदिन प्रभु ने क्या क्या कार्य किया है उसके बारे में चर्चा करते हुए हम एक एक दिन एक एक छोटा सा संदेश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा करता हूँ परमेश्वर इस छोटा सा संदेश के द्वारा आपसे बातचीत किया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।